सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय डेविड लाइफ चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे हो, मस्त हो, बिंदास हो, सब बढ़िया हो। देखो मोबाइल में लास्ट व्लॉग में ये बहुत याद कर रहा था मेरे को, इसलिए आई हूँ। और कल भूषण का बर्थडे भी था तो मैंने सोचा सामने से उसे विश कर दूँ, और ऑफ भी था इसलिए। और आज उसका है एनिवर्सरी, आज एनिवर्सरी है। आई थॉट ये वीडियो कल डलेगी, बट मैं बता देती हूँ आज 14 है, तो आज उसकी एनिवर्सरी है, तो हम विश करेंगे जो भी है, देखते हैं क्या है, है ना। तो पहले तो कुछ खिला देते हैं, चला ना। One hour later. So guys, मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हो। एंड अभी डेविड गया है भूषण के घर पे किसी काम से, उसने बुलाया मॉर्निंग में था, लेकिन गया आफ्टरनून में। 1:30 हो गए, मतलब 1 बजे गया होगा, आधे घंटे हो चुके हैं। तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ। एंड जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि डेविड पूरे ब्लॉग में बोल रहा था, मुझे लगा वो आ गया, पर कोई आ रहा है, हाँ, कि मोमो नहीं है, मोमो नहीं है। तो अब मेरे को ऑफिस का काम करना होता है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ब्लॉगिंग के टाइम पे मेरे को आना पड़ता है, हमारी ब्लॉग एक साथ करनी होती है, इसलिए। तो आप देख सकते हो हम साथ में नहीं रहते। एंड सेकेंड थिंग ये, मैंने काफ़ी कमेंट देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेविड ने मॉम के लिए वो वीडियो बनाई थी, बिना मॉम के कैसे होते हैं। तो मैं तो झगड़ती रहती हूँ अपनी मम्मी से, वो मेरे को बहुत प्यार करती है वैसे, तो लिटरली मॉम के बिना लाइफ नहीं होती है, मतलब मॉम के मॉम डैड दोनों के बिना लाइफ नहीं होती है, दोनों चाहिए है आपको लाइफ में। और बच्चे नो कमेंट, कोई कमेंट ही नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते, दिमाग में आता ही नहीं है ये सब चीज़ें जैसा उसने बोला था। फिर भी डेविड अकेले रह रहा है, तो जब मुझे पता चला तो मुझे भी बुरा लगा था काफ़ी ज़्यादा। और इन्होंने एक व्लॉग में, मतलब पापा ने और डेविड ने दोनों ने बताया था क्या क्या स्टोरी है, आप देख सकते हो क्यों नहीं है, क्या वजह थी। तो हाँ, मुश्किल है सब कुछ। तो आपने जैसे कि मैंने कमेंट भी देखा कि दीप मतलब मोमो के डैडी से मिलना है, तो मैं बता देती हूँ मेरे डैडी साथ में नहीं हैं, साथ में नहीं रहते हैं, हम अलग हैं, मेरी मॉम अलग हो चुकी थी, रीज़न बिहाइंड वो मिस अंडरस्टैंडिंग, वो पर्सनल है, फिर कभी बताऊँगी। तो हाँ, मेरे डैडी साथ में नहीं, इसलिए वो ब्लॉग में नहीं दिखते। एंड डेविड की मॉम नहीं है तो मॉम ब्लॉग में नहीं दिखती, बट हम लोग फिर भी हैप्पी है, क्योंकि पुरानी चीज़ों को भूलोगे तभी नई चीज़ें आएंगी। तो ये छोटी सी बात थी और ज़्यादा लंबी नहीं करते। और आज का व्लॉग मैं करने वाली हूँ डेविड को इग्नोर, क्योंकि मेरे को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो मैं आज उसे करने वाली पूरे वीडियो में इग्नोर, आज वो भी मेरे को बोले ब्लॉगिंग कर ले, तो मैं उसे करने वाली हूँ इग्नोर। तो लाइक प्रैंक हो जाएगा एक तरह से, लाइक डेविड इग्नोर प्रैंक। आया नहीं अब तक, मैं फोन करके उसे करके भी देखना। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, 4 मिनट ऐसे ही हो गए, सिट। भाई तो इग्नोर मार रही है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। कितना खाई? 2 बज गया। बोलना। Few moments later.
गाइस हेलो, मेरा आप सब लोगों को देखा आप लोगों ने कि मोमो ने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे कितनी क्यूट लग रही है आज, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मेरे को। ओह माय गॉड, तेरी अदाएं, सॉरी, बड़ा क्यूट है वैसे ये, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, इग्नोर मार रही है आज इतना ज़्यादा। तो बिगाड़ है क्या मैंने तेरा? अरे मैं जा रहा हूँ मोमो के लिए मैगी लेने के लिए, क्योंकि इसमें सुबह सुबह खाया नहीं है और अभी बच गए एक। मेरे घर पे आई थी, दो बज गए, सॉरी दो बज गए। देखो कितना पापी हो, मैंने ऐसे कुछ खिलाया मैंने सुबह से, मिले होगा मेरे से कमी नहीं इंसान। तो मैं जा रहा हूँ मोमो लेने, मोमो के लिए मैगी लेने के लिए जा रहा हूँ, मोमो के लिए मोमो लेने जा रहा हूँ, और फिर मैगी बनाऊँगा, मोमो खिलाऊँगा, और फिर थोड़े चावल बनाऊँगा, और फिर आप सब लोगों का इलाज बहुत प्यार करता हूँ ना, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आई लव यू। तेज से भी गया। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं इग्नोर करने की, बट हो नहीं रहा, क्योंकि कोई सामने से कुछ पूछता है तो इग्नोर नहीं होता ना, इसीलिए। और आई थॉट मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि मेरे को जुकाम हो रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ इग्नोर करने की। अब आगे देखते हैं कितना इग्नोर कर सकती हूँ, आखिरकार बोलना तो पड़ेगा ही। पर अब देखो मैं इरिटेट कर दूँगी उसको, खुद पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अभी आने दो, पूछेगा तो खाने वाने का पूछा, मैंने मना, मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी ऐसे ही करूँगी पूरे दिन। साइलेंट मूवी गाइस, ये मेरी पानी की बॉटल है, गलत मत लेना, मैं वाटर पीता हूं, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस कल क्या हुआ था, कल नहीं मतलब मैं पिछला व्लॉग शूट कर रहा था, कि जो मैंने शूट किया था पिछला व्लॉग जो मैंने बनाया था, तो मैं व्लॉग शूट कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं शूट कर रहा था ऑन द वे, तो पीछे से दो गर्ल्स आई, कह रही कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और आपके व्लॉग्स देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप कॉमेडी अच्छा करते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली थी, कैसे बोलूँ मैं, बोल भी नहीं पा रहा, क्योंकि जो वो फीलिंग होती है वो अपनी फीलिंग होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अगर आप वो, अगर वो अभी भी व्लॉग देख रहे हो तो आपको थैंक यू सो मच, मुझे आपका नाम नहीं पता है, आप जो भी हो, बट मेरे लिए मेरी फैमिली हो, तो थैंक यू सो मच, आप देखते हो और ऐसे प्यार देते रहो। तो ये अपनी बकवास कर रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ फुल ऑन इग्नोर करने की और उसी वक्त कैमरा ऑन करने की, बिकॉज जब ये कुछ बोलते हैं तो मेरे को कैमरा ऑन करना पड़ता है इसीलिए। तो आज का व्लॉगिंग मैं कर रही थी, मेरे अकॉर्डिंग होगा, बाद में वो एडिट जब करेगा तो पता लग जाएगा अपने आप ही। मेरी मैगी बन चुकी है, अब मैं मैगी खाऊंगी, और डेविड को तो बहुत अच्छी लगी है मैगी, अब मैं मैगी खाऊंगा, फिर उसके बाद हम बैठेंगे, फिर घर जाएंगे, मतलब मैं जाऊंगी घर, मैं जाऊंगा, तो उनसे कोई पूछ नहीं रहा, नहीं मैं जाऊंगा घर, देखते मम्मी से मिलूंगा, मेरी मम्मी की याद ताज़ी करूंगा, वो तो मेरी मम्मी ही है, उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि अगर लाइफ में अगर कोई कुछ कह ही नहीं रहा तो कैसा फील होता है आपको, मतलब कैसा फील होता है। मैं मम्मी से मम्मी के बारे में क्वेश्चन करूंगा, तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या होगा। नहीं दिखा रही मैं। सो तो पापा जी पौधा लगा रहे, क्योंकि वो अंदर रखा था ना मनी प्लांट, तो वो मर गया था, तो उन्होंने सोचा कि बाहर लगा देता हूँ, तो वो भी खाद निकाल रहे हैं और लगा रहे हैं। जो डेविड ने पॉट यहाँ पे टांगा था ना, उसमें पापा ने टांगा था। हाँ पापा ने, पापा क्या कर रहे हो? मनी प्लांट लगा रहा हूँ, और क्या करूँ, मनी प्लांट लगा रहे हैं, मनी प्लांट मनी होगा, मनी मनी हो जाएगा बस। हमारे घर में तो इतने लगे, फिर भी मनी मनी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये सब कहावत है लोगों का, है ना, मेहनत करेगा तब मनी आएगा,
वरना नहीं आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। इधर तो देखो। मैं सोचा ऐसी बोल रहा हूँ, मुझे देख रहा है लोग। सब देखते हैं, नोटिस करते हैं, बातें ऑब्जर्व करते हैं। तो मेहनत कीजिए। हमारे मैनेजर मुझे, उसने लगाया था क्या बोलते हैं पौधे का, इंजीनियर साहब ने, पर ये हो नहीं पाया, मर गया। ये इंजीनियर ये ऊपर वाला कहाँ है? गैस आता नहीं है मुझे। तो अब पापा जी पौधा लगा रहे हैं, अब वो लगाएंगे तो वो उगेगा उगेगा, बट इसको मतलब इसको सॉरी मेहनत करनी पड़ती है कमाने के लिए। पैसा चाहिए, मनी प्लांट पे मनी चाहिए, तो कमाना पड़ेगा, धमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फोन नहीं मिलेगा। दे दे भाई ला, खाना खाने दे उसे, खाना खाने दे उसे, खाना खाने दे उसे। ठीक गुजार रही हूँ। पागल पंती की हद होती है। लेट वॉक। कोई हंस रहा है तुम्हारे जोक पे जो तुम हंस रहे हो? देखो देखो हंस रहे, देखो देखो सब लोग हंस रहे हैं। देखो नीचे लोग, नीचे चार लोगों ने कमेंट डाल दिया हंसने वाला। देखो थैंक यू गाइस, कितना प्यार करते हो मेरे से यार। बचपन से ऐसा अकेला ही रहता है, अकेला ही खेलता है, अकेला इधर उधर भागा दो। तो अभी कौन सा नया है? बस डिफरेंट ना है कि तू मेरे साथ है, मेरे को अच्छा लगता है। ये देखो क्या सीन है, इधर इधर बेटा उधर पापा, देखो क्या मस्त सीन है। ऐसे पापा पौधा लगा रहे, मैं खाना खा रहा। One hour later. तो आप देख सकते हैं इस महीने का कैशबैक, अगर मैं अभी तक आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं 1000 से ऊपर तक का कैशबैक मैंने अर्न कर रखा है। तो ये चीज मुझे पर्सनली काफी सही लगता है। बाकी मैं पूरी तरीके से कितने कमाया हूँ अभी तक, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो प्रो टिप यही रहेगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चे नहीं है, इवन अगर क्या है भाई, क्या है वन मंथ वाला ले लेते हैं, है 179 का है, वो 129 का है, ले वो ले लेते हैं यार। अबे क्या कर रही है भाई तू, पागल पागल हो गई क्या? बैठने का चैन से यार, पता नहीं क्या कर रही इधर से यार, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर। जीने दे चैन से, थोड़ा सा सांस लेने दे थोड़ा सा। लात मार लग रही है मेरे। काम हो गया मेरे को। तू पागल हो गई और तू मुझे पागल कर दी आज के दिन, तो मुझे कुछ देखने नहीं दे रही है। आज का पूरा दिन हमारा निकल चुका है, शाम हो गई है, लेकिन बड़ा बेकार गाइस, इतना बेकार क्या। तो शाम के कितने बज गए हैं? 5 बज गए हैं। 5 बज चुके हैं शाम के, खाना वाना हो चुका है। और इनसे अभी भी कोई बात नहीं कर रहा है, पापा का लेक्चर सुन के ये भाई साहब सो गए थे। तो यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से दिखेंगे तू। आज पता नहीं दिन भर मेरे साथ ऐसे हुआ है, हर बात को लेकर इग्नोर मारा गया है, कुछ नहीं किया है, कोई इज्जत नहीं है हमारी, बस बात करने को इस तरह कोई बात नहीं करना चाहता है, बस पीछे से दिखा रहे हैं।
शक्ल देख रहे हो, शक्ल अच्छी हुई तो बोलो कुछ कहना। आई लव यू गाइस, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। सो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं तक था। होप आप सभी को पसंद आया हो, काफ़ी इन्जॉय किया हो। मैंने डेविड को कोशिश की काफ़ी इग्नोर करने की, बट इतना नहीं हो पाया। जितना भी हुआ इरिटेट हो गया इंसान, है ना? कैसा लगा? गुस्सा आ रहा था। किस बात के लिए? इग्नोर बना। शकल देख सकते हो, शकल पे 12 बज चुके हैं, यहाँ पे 6 बज चुके हैं, और क्या 5:30 नहीं, मैंने वहाँ देख के बोला। बड़े लोग घड़ी है और 20 मिनट आगे रहती है, वो जो भी है। चलो यहीं पे ब्लॉग एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आ जाओ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे हमारा इंस्टा का नाम आ रहा है, जाइए जाके फॉलो कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, नए मेंबर्स हैं, नई फैमिली है, प्लीज़ जाके वो जो बेल का आपको दिख रहा होगा सिंबल, वहाँ जाके प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियोज़ आएगी तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। बाय बाय टाटा।